हेलो वर्स फ्रेंड, दिस इज अजीरा एचडी हियर। सो आज हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं एप्पल एयरपॉड्स 2 वर्सेस i13 का, और इन दोनों के ऊपर मैं सेपरेटली वीडियोस बना चुका हूँ, बहुत ही डिटेल में बात की थी इन दोनों वीडियोस के अंदर। और अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो आई कार्ड पे यहाँ पे क्लिक करें और वो वीडियोस आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उन दोनों वीडियोस का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। सो आप लोग की तरफ से बहुत ही ज़्यादा डिमांड आ रही थी इन दोनों एयरपॉड्स के कंपैरिजन की, तो आज फाइनली हम इन दोनों के ऊपर बात करने जा रहे हैं और बहुत ही ज्यादा डिटेल में बात करने वाले हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनली आ चुके हैं दोनों एयरपॉड्स, और राइट साइड में जो मेरे अवेलेबल है वो है एप्पल एयरपॉड्स 2, जो कि एक मास्टर कॉपी है एप्पल एयरपॉड्स सेकेंड जनरेशन की, और लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिल जाता है i13, जो कि एक डेफिनेटली अच्छी कॉपी बनाई गई है। और अब दोनों के फ्रंट साइड की बात करते हैं, तो फ्रंट साइड में हमें एप्पल एयरपॉड्स 2 के अंदर देखने को मिल जाती है एक एलईडी इंडिकेटर, जो कि जब हम चार्ज इसको करते हैं उस वक्त काम आती है, और जब हम इसको कनेक्ट कर रहे होते हैं सिर्फ उस टाइम काम आती है, उसके अलावा इसका कोई काम इसके अंदर हमें देखने को नहीं मिलता। और i13 की बात करें तो इसके अंदर हमें बिल्कुल एक प्लेन सर्विस यहाँ पे दिया गया है, कोई एलईडी इंडिकेटर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। और अब इन दोनों के कलर्स की बात करें तो यहाँ पे जो मास्टर कॉपी है हमारे पास, उसका जो कलर है वो ज़्यादा वाइट यहाँ पे मुझे नज़र आता है, और i13 के कलर्स की बात करें तो इसकी बॉडी का जो कलर है वो ज़्यादा वाइट नहीं है, प्योर वाइट कलर यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलता, एक थोड़ा सा ब्लूइश शेड के अंदर हमें यहाँ पे कलर जो है वो इसका देखने को मिलता है। और अब आ जाते हैं हम इसकी बैक साइड के ऊपर, तो जो मास्टर कॉपी है उसकी जो बैक स्ट्रिप है वो हमें मैट कलर के अंदर यहाँ पे देखने को मिलती है, और उसके नीचे हमें एप्पल ब्रांडिंग यहाँ पे देखने को मिल जाती है। उसके साथ ही हमें नीचे दिया गया है एक बटन जिसकी मदद से हम इस एयरपॉड्स को अपने आईफोन या फिर अपने एंड्रॉयड फोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर i13 की बात करें तो यहाँ पे हमें जो स्ट्रिप है वो एक ग्लॉसी लुक के अंदर दी गई है, कोई मैट फिनिश यहाँ पे नहीं दिया गया, और इसके नीचे हमें एक बटन दिया गया है जिसका काम अभी तक मुझे समझ नहीं आया। इसको क्लिक करने पे जस्ट एक लाइट ब्लू कलर की लाइट यहाँ पे शो होती है, और कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे ये बटन हमें कोई भी हेल्पफुल नहीं होता। और अब आ जाते हैं हम इन दोनों एयरपॉड्स के नीचे की साइड में, तो यहाँ पे हमें जो दोनों एयरपॉड्स की जो क्वालिटी वाइज है वो हमें ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलती, और जो डिफरेंस है वो है कि जो एप्पल एयरपॉड्स 2 है मास्टर कॉपी, उसके अंदर हमें वायरलेस चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाती है, और ये ऑप्शन हमें i13 के अंदर अवेलेबल नहीं है। हम जस्ट i13 को वायरलेस चार्ज नहीं कर सकते, हम उसको चार्ज कर सकते हैं थ्रू वायर, और वायर हमें इन दोनों ही एयरपॉड्स के अंदर जो देखने को मिलती है वो है लाइटनिंग केबल। और क्वालिटी की बात करें तो मास्टर कॉपी की जो वायर की जो क्वालिटी है वो मुझे ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है अगर कंपेयर करें i13 से। तो जैसे ही हम इन दोनों एयरपॉड्स के लिप्स को यहाँ पे ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमें जो मास्टर कॉपी है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, मास्टर कॉपी जो है उसके ऊपर एक एलईडी इंडिकेटर यहाँ पे दिया गया है जो कि एक ग्रीन लाइट शो कर रहा है। i13 के ऊपर हमें कोई भी एलईडी इंडिकेटर यहाँ पे देखने को नहीं मिलता, और कनेक्ट करने का तरीका जो है वो दोनों का डिफरेंट है। जो मास्टर कॉपी है उसका लिप जैसे ही हम ओपन करते हैं तो हमारे जो अगर एंड्रॉयड फ़ोन है या फिर आईफोन है तो दोनों ही फोन्स के अंदर नोटिफिकेशन हमें मिल जाता है। तो आपको प्रैक्टिकली भी यहाँ पे कनेक्ट करके दिखा देते हैं कि जो है हमारे एयरपॉड्स जो है वो हमारे एंड्रॉयड या फिर आईफोन्स के साथ कैसे कनेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम मास्टर कॉपी की बात करते हैं, तो यहाँ पे इसको कनेक्ट करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। इसके जस्ट लिप को हमने यहाँ पे ओपन करना है, और हमारे जो आईफोन है तो उसके ऊपर हमें यहाँ पे पॉपअप साइन यहाँ पे शो हो जाता है, और इजीली जो है हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। जस्ट हमें जो बैक का जो बटन है उसको होल्ड करके रखना पड़ता है, और हमारा जो फ़ोन है वो डेफिनेटली इजीली कनेक्ट हो जाता है।
और अब आ जाते हैं हम i13 के ऊपर। तो इसको कनेक्ट करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। वो है कि जैसे हम इसके लिप को ओपन करते हैं, उसके बाद हमें हमारा जो फ़ोन के साथ ये कनेक्ट नहीं होते, हमें इसके जो हेडफोन्स है उसको रिमूव करना पड़ता है इसके कंटेनर्स के साथ। और जो है जब ये लाइट इंडिकेट करता है रेड और ब्लू कलर्स की, तो जब जाके हमारा जो आईफोन है उसके ऊपर एक पॉपअप साइन आता है। अगर हम इसको कंटेनर्स के ऊपर ही रख के एक इसके करीब भी चाहे रख लें, जब भी जाके इसके ऊपर कोई भी कनेक्शन या फिर कोई भी पॉपअप साइन यहाँ पे शो नहीं होता। और इन दोनों के हेडफोन्स की बात करें तो यार इन दोनों के हेडफोन्स की जो क्वालिटी है वो इतनी ज़्यादा बुरी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। और फ्रंट साइड में जो मास्टर कॉपी के अंदर हमें सेंसर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं दोनों ही साइड में, फ्रंट और बैक में। और i13 में हमें कोई भी सेंसर्स यहाँ पे देखने को नहीं मिलते। i13 में जो हमें दूसरी चीज़ यहाँ पे इरिटेट करती है वो है इसकी LED इंडिकेटर्स, जो कि दो कलर्स के अंदर अवेलेबल हैं, एक है रेड और एक है ब्लू। और माइक की प्लेसमेंट भी जो है यहाँ पे हमें नीचे की साइड में थोड़ी देखने को मिलती है, और जो मास्टर कॉपी है उसके अंदर थोड़ी ऊपर की साइड में हमें देखने को मिलती है। और इन दोनों हेडफोन्स के नीचे की साइड की बात करें जहाँ पे मैग्नेट यहाँ पे दिया गया है, तो जो मास्टर कॉपी है उसके अंदर हमें मैग्नेट जो है वो एक होल यहाँ पे देखने को मिलता है, और दो होल्स जो है वो i13 में हमें अवेलेबल हैं। और एक बार अगर ये दोनों हेडफोन्स आपके मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो आपको किसी भी किस्म की कोई भी लैगनेस, कोई भी इशू फेस करने को नहीं मिलता। और लास्ट में बात करते हैं हम इन दोनों एयरपॉड्स के वेट्स की। तो यार हमें जो मास्टर कॉपी का जो वेट है वो ज़्यादा देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू i13। i13 का जो वेट है वो बहुत ही ज़्यादा लाइट है, इसके हेडफोन्स का और इसके कंटेनर दोनों का ही वेट जो है वो हमें लाइट देखने को मिलता है। और मास्टर कॉपी है उसका वेट थोड़ा ज़्यादा है। उसका रीज़न ये है कि जो हमें मास्टर कॉपी के अंदर जो बैटरी टाइमिंग है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलती है, अराउंड 6 to 7 hours हम इसको यूज़ कर सकते हैं विदाउट चार्जिंग। और जो i13 है उसको हम स्टैंड बाय के ऊपर 6 hours तक यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसको i13 को अगर हम प्रॉपरली कनेक्ट करके और यूज़ करते रहें तो ये अराउंड 2 to 3 hours तक ये बैटरी टाइमिंग आराम से निकाल सकता है। और अगर आपके एक बार हेडफोन्स की चार्जिंग डाउन हो जाती है तो आप इसको दोबारा चार्ज कर सकते हैं वापस से। अगर आप इसको अपने कंटेनर्स में पुट करते हैं तो यार ये दोबारा से चार्ज हो जाते हैं इसके हेडफोन्स, और ये आपको दोबारा से एक अच्छी बैटरी टाइमिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। मेरे करीब मास्टर कॉपी जो है वो मैंने अराउंड 2 days तक यूज़ की है, क्योंकि मेरा ज़्यादा यूजेज नहीं है। ये मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, हो सकता है कि आपकी ज़्यादा यूजेज हो तो आपकी जो है एक दिन निकालें, या फिर हो सकता है कि आप 6 hours तक इसको एंड कर दें। और लास्ट में हम इसकी प्राइस की भी बात कर लेते हैं। तो जो मास्टर कॉपी है उसकी प्राइस आपको 4000 तक अवेलेबल हो जाएगी, और i13 की प्राइस की बात करें तो ये आपको 1800 तक ईजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। और वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और इस वीडियो के लिए इतना ही, और जाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पीस।